हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू राजन व्लॉग्स। स्वागत है जी दोबारा से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज सुबह के 5:30 बज रहे हैं हमारे घर की घड़ी में। एक हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो हमें अक्सर हमारी वीडियो पे कमेंट करते हैं कि राजन भाई घर से वीडियो शुरू किया करो आप। ठीक है, वैसे तो जी देखो वीडियो बनाने से मतलब है, वीडियो चैनल पर आती रहे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी उनकी बात को मायने देते हुए आज ये वीडियो मैं घर से शुरू कर रहा हूँ। और वैसे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, मैं, मेरे पापा, मेरा छोटा भाई, हम जा रहे हैं यहाँ से अयोध्या जी राम मंदिर के दर्शन करने और आप लोगों को भी दर्शन कराने। ठीक है, तो लास्ट ईयर हम लोग गए थे बद्रीनाथ, उसके बाद ये हमारा अब ये वाला ट्रिप होने वाला है जो हम तीनों का साथ में होने वाला है। ठीक है, तो आज घर से वीडियो शुरू कर रहे हैं जी, और अभी बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं 10-5 मिनट में, और फिर आपको हाईवे के नज़ारे दिखाते हैं और दिखाते हैं आज कैसे पहुंचेंगे। आज हमारा जो सफ़र है वो रहने वाला है यहीं से, दिल्ली से अयोध्या जी का। बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में दोबारा। ये आज हमारी डेस्टिनेशन के किलोमीटर्स आ रहे हैं जी, 687 और 9 घंटे 12 मिनट का टाइम दिखा रहा है। वैसे तो हमें लगता है कि 11-12 घंटे लग जाएंगे। हम लोग आ गए हैं अपनी कार में, यहाँ पर बैठे हैं हिमांशु जी, मेरा छोटा भाई है, और पापा बैठे हैं पीछे। चलो, लाइट हमारी ग्रीन हो गई है, हम लोग अभी ISBT के पास हैं। तो आज का जो सफ़र है हमारा, इसमें आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि दिल्ली से अयोध्या का सफ़र हमारा कैसा रहने वाला है, और जो भी रास्ते में हम करते जाएंगे, जैसा भी करते जाएंगे, वो सब आप लोगों को आज देखने को मिलेगा इस वीडियो में। और जहाँ तक उम्मीद है कि हम लोग शाम को 6 बजे तक मैक्सिमम पहुँच जाएँ अयोध्या। अब दिल्ली में क्या है ना, गर्मियाँ आ गई हैं तो जल्दी ही सूरज निकल जाता है। अभी 6:00 के कितने मिनट 20-22 मिनट हो रहे हैं और ट्रैफिक भी दिखने लगा है, और देखो रोशनी हो गई है काफ़ी। सर्दियों में नहीं था ऐसा, सर्दियों में तो 7 बजे तक भी उजाला नहीं होता था। हम लोग अब आ गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, और यहाँ से आगरा का डिस्टेंस लगभग 170 किलोमीटर है अभी, और हम अपने घर से 56 किलोमीटर आ गए हैं, और लखनऊ है 482 किलोमीटर में 6 घंटे का रास्ता दिखा रहा है बस, देख रहे हो, ये एक्सप्रेसवे का कमाल है। ठीक है जी, 100 की स्पीड पे चल रहे हैं अभी, पर ऐसा लग रहा है जैसे कितना स्लो चल रहे हैं हम लोग। मैं इस हाईवे पे ना नेपाल के बाद अभी आया हूँ, उससे बाद में मैं आया ही नहीं, मतलब तब से तो इस तरफ जाना हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर भाई पहाड़ों में घूमता रहता हूँ। तो इस बार आप लोगों को दिखा रहे हैं जी यमुना एक्सप्रेसवे दोबारा से, स्पोर्ट सिटी ईस्ट आगे लिखा हुआ है, JP ग्रीन्स। हमारी डेस्टिनेशन अभी भी 633 किलोमीटर है, 8.5 घंटे का रास्ता। मज़ा आ रहा है जी, मज़ा आ रहा है, बहुत आ रहा है। ऐसे ही बस रास्ता हमारा, ये सफ़र चलता रहेगा धीरे धीरे। हाँ, ये तो खाली मिलेगा, खैर हाईवे है ना। मथुरा का टोल टैक्स हमने अभी क्रॉस किया है, घर से 140 किलोमीटर आ गए हैं जी, और हम चले थे लगभग 6:10 पे। अभी हमारी घड़ी में टाइम हो गया है 8 बजने वाले हैं, 7:59 हो गए हैं जी। मौसम कुछ ऐसा है अभी का, माहौल बढ़िया चल रहा है, वही है कि ये रोड थोड़ा बोरिंग है, तो भैया चलते रहो, बस चलते रहो, क्रूज़ लगाया हुआ गाड़ी में और 100 की स्पीड पर चले जा रहे हैं। रुकना भी ज़रूरी है, अगर थोड़ी थोड़ी देर पे रुकते रहना चाहिए, 100-150 किलोमीटर पे रुक जाओ आराम से, और थोड़ा रेस्ट लो, स्ट्रेच करो बॉडी को, और फिर चलते रहो, इसी हिसाब से पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो, वैसे तो ब्रेकफास्ट हम लोग करके आए थे, हम सिर्फ बायो ब्रेक लेने के लिए रुके हैं यहाँ पे। हाँ जी उस्ताद जी, बढ़िया, चलो जी।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भी हम लोग 30 किलोमीटर आ चुके हैं और टोटल अभी तक हम घर से अपने चल चुके हैं 244 किलोमीटर, लगभग 3.5 घंटे हुए हैं हमें। ठीक है जी, अभी भी लगभग कितने घंटे का टाइम दिखा रहा है, 5.5 घंटे के आसपास का टाइम दिखा रहा है हमें अयोध्या पहुंचने का। और वैसे 9:30 बज गए हैं सुबह के, अभी लगने लगी है भूख हमें, हम कहीं रुकेंगे अभी जैसे कोई एग्जिट आएगा। काफ़ी सेफ़ एंड सिक्योर हाईवे है ये, देखो अभी इस तरफ भी ना फेंसिंग लगा रखी है पूरी, मतलब रोड से ना तो कोई इस तरफ से इस पे आ सकता और ना ही यहाँ से, मतलब उस वाले हाईवे से भी इधर कोई नहीं आ सकता, कोई पैदल भी अगर क्रॉस करना चाहे तो, गाड़ी तो दूर की बात है। देखो दोनों साइड पे ऐसी रेलिंग लगी हुई है, ग्रिल दिख रही है ना ऐसी। ठीक है, अब कहीं रुकेंगे, गाड़ी की ना हवा भी चेक करानी है, पेट्रोल पंप पे ही रुकेंगे, वो भी वहीं पे मिलेगा जहाँ पे कहीं कुछ खाने पीने का मिलेगा। ठीक है जी, लखनऊ एक्सप्रेसवे जहाँ से शुरू हुआ था ना वहाँ से पूरा 100 किलोमीटर पे ये फूड कोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, मैं खैर पहले आया हूँ, एंट्री इसकी यहाँ से जगत ढाबा, देखते हैं कुछ खाने के लिए लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोगों ने खाई है थाली, 130 रुपए की थी, एक उसमें थी आलू गाजर मटर की सब्जी और एक थी दाल और थोड़े से राइस और 3 रोटी। ठीक है जी, तो ऐसी थी, मतलब थोड़ा सा ऐसे लगा, ठीक नहीं लगा थोड़ा ना, एम्बियंस भी यहाँ का और खाना भी कुछ खास नहीं था। चाय ली है अभी, चाय थोड़ी अच्छी लग रही है। और ये देखो कितना अच्छा पॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, इसमें कमल के फूल खिले हुए हैं। इस तरफ पीछे पूरा स्पेस है जहाँ पे ट्रक पार्क हुए हैं। चाय अच्छी है, 20 रुपए की दी है चाय। अब भूख लगी थी यार, भूख लगी हुई थी, जैसा मिला वो ही ठीक रहा। अब इसके बाद सीधा लखनऊ के बाद ही रुकेंगे कहीं पे। ये जो रोड देख रहे हो ना आप, ये पूरी ना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एयर स्ट्रिप बनाई हुई है, यहाँ पे फाइटर जेट उतारने के लिए बनाई थी ये। और इस पर जब ये हाईवे शुरू हुआ था उस टाइम पे टेस्ट रन भी किया गया था, उतारे भी गए थे यहाँ पे, टेक ऑफ और लैंडिंग हुई थी। तो कई किलोमीटर का है ये, ऐसे ही बना हुआ ना, देखो यहाँ पे बीच में डिवाइडर भी नहीं है। वहाँ से आए हम लोग, काफ़ी लोग खड़े भी हैं आगे ना यहाँ पे देखने के लिए इसको, बहुत ही सॉलिड रोड बना रखा है ये कॉन्क्रीट का, पता नहीं कौन सा मटेरियल किस ग्रेड का यूज़ किया गया हो उस पर, बहुत सॉलिड है। बाहर गर्मी है, लखनऊ अभी भी यहाँ से है लगभग 70 किलोमीटर है, तो लगेंगे अभी 30-35 मिनट या 40 मिनट लगेंगे, उसके बाद फिर नेशनल हाईवे आ जाएगा। अभी हम एक्सप्रेस वे पे हैं, हवा बहुत तेज़ है। सुबह से लगभग 6-6.5 घंटे चलने के बाद और 518 किलोमीटर चलने के बाद अपने घर से हम लोग पहुंच गए लखनऊ शहर। तो अब जाके हमें कुछ गाड़ियां आसपास दिखाई दे रही हैं, घर दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा बेटर फील हो रहा है यहाँ पे, नहीं तो सुबह से तो ऐसा लग रहा था हमारे अलावा कोई जा ही नहीं रहा है अयोध्या। अभी अयोध्या यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है, तो 2.5 घंटे लगने चाहिए, बाकी रोड के ट्रैफिक पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे ना गाइज मैं पहले आ चुका हूँ, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी अगर नेपाल वाली, तो पहले दिन मैं अयोध्या से थोड़ा सा और आगे जाके रुका था, अयोध्या नहीं गया था, बाइक पे था उस दिन, शाम को पहुँचा था मैं लगभग, उस दिन भी मैंने बाइक अपनी लगभग 700 किलोमीटर चलाई थी। तो वैसे फ़ायदा तो है एक्सप्रेस वे का कि अब देखो हम सुबह से 518 किलोमीटर 6 घंटे में आ गए हैं, नहीं तो इतने किलोमीटर्स के लिए 10 घंटे लगते नॉर्मल नेशनल हाईवेज पे। ठीक है जी, चलो फिर से मिलेंगे थोड़ी देर में, अब और तो कोई शहर आता नहीं बड़ा बीच में, अब सीधा अयोध्या जी आएंगी। लखनऊ सिटी से हम लोग 40 से 50 किलोमीटर बाहर आ गए हैं और अभी अयोध्या जी जो बचा है वो है 80 किलोमीटर यहाँ से, 1 घंटा 6 मिनट का रास्ता
गूगल मैप पे दिखा रहा है सामने, और टाइम क्या हो गया हमारी घड़ी में, 3:20 हो गए जी। ठीक है, जहाँ तक आइडिया है हम लोग 5 बजे तक पहुँच जाएंगे, मैक्सिमम 5 बजे तक। वैसे तो 4:30 का टाइम दिखा रहा है अराइवल का, पर फिर भी होटल ढूंढना है क्योंकि हमें, और हो सकता है कि आधे घंटे में होटल मिल जाए, उसके बाद हम लोग 5 बजे तक मतलब ऑलमोस्ट पहुँच जाएंगे अयोध्या जी। ठीक है, फिर दिखाएंगे आपको वहाँ पे क्या नज़ारा है वहाँ का, क्या हिसाब किताब है, जो भी कुछ है अयोध्या जी के बारे में वहीं जाके बताएंगे। मैं पीछे वाली सीट पे आ गया हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। हिमांशु जी गाड़ी चला रहे हैं, पापा आगे बैठे हैं। तो हम लोग गाइस पहुँच चुके हैं श्री राम जी की नगरी अयोध्या। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अयोध्या में। और हम लोग गए थे यहाँ से राम मंदिर की तरफ, अभी वहाँ से ही हमें वापस कर दिया। आगे बहुत भीड़ है तो हमने सोचा वापस आके पीछे की तरफ ही होटल ले लेते हैं। तो ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो, ये होटल हमने लिया है अभी श्री कुंज। ठीक है, इसमें हमारा 2nd फ्लोर पे पीछे की तरफ रूम है, अभी दिखाता हूँ। बहुत बेसिक सा रूम है यार, यहाँ पे यही बहुत मुश्किल से मिल रहा है। सब लोग जो मिले हैं और भी गेस्ट कह रहे हैं बहुत भीड़ है, गाड़ी यहीं लग जाएगी पार्किंग में अंदर। इधर ही लगा देंगे भैया, सीधा ही है उधर लगानी है। हाँ, और दबा के लगा दे इधर, गाड़ी पार्क करवा रहे हैं जी। हाँ हाँ, तो यहाँ से फिर क्या करेंगे ना, यहाँ से कोई रिक्शे विक्शे में बाहर से रोड से सारे मंदिर मंदिर घूम के आ जाएंगे हम। ठीक है, चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो ये गाइज हमारा रूम है आज का, 1700 रुपये का मिला है। इसमें यहाँ पे एक ये एक्स्ट्रा मैट्रेस लगाएंगे रात को, और ये डबल बेड है, और ये वॉशरूम है यहाँ का। ठीक है जी, बेसिक सा रूम है बिल्कुल, पर ऐसा बता रहे हैं जो यहाँ पे लोग हैं ना ऑलरेडी, जो यात्री हैं जो दर्शन करके आ गए हैं, या फिर जो यहाँ पे आए हुए हैं हमसे पहले, कह रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। और होटल आपने सही किया कि यहीं पर ले लिया, क्योंकि आगे तो बहुत ही भीड़ है। हम भी खैर गए थे आगे वाले चौक पर, जैसे मैंने बताया कि वहाँ से वापस आ गए। तो देखते हैं अभी शाम को निकलेंगे यहाँ से, हमने सोचा है कि रिक्शे पे जाएंगे यहाँ से, सारा आसपास जो भी है सब रिक्शे से घूमेंगे। गाड़ी ले जाने की तो भैया आगे हिम्मत है नहीं हमारी, ट्रैफिक को देख के हम लोग वापस आ गए। बाकी सब कुछ ठीक है, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर यहाँ से चलते हैं बाहर, देखते हैं और दिखाते हैं आपको। आ तो गए हैं, अब राम जी की मर्ज़ी बाकी कैसे दर्शन कराएंगे। क्यों जी हिमांशु जी, सही बात है ना? ठीक है जी, चलो